वहीं अगर बात करें रीवा जिले की 8 विधानसभा सीटों की तो यहां पर 6 भाजपा के पाले में आती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है और बहुजन समाज पार्टी को भी 1 सीट यहां पर मिल रही है। रीवा जिले की 8 विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे और तीसरे चरण की मतगणना के जो परिणाम सामने आए उसके अनुसार रीवा में भाजपा प्रत्याशी आगे हैं, इन्हें 3,750 मत मिले हैं। वहीं कांग्रेस को 2,981 मत मिले हैं। बहुजन समाज पार्टी को 948 मत प्राप्त हुए हैं। सिरमौर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां पर भाजपा प्रत्याशी आगे हैं, इन्हें 2,110, कांग्रेस को 1,472 और बसपा को 1,010, समाजवादी पार्टी को 1,200 मत प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से दूसरे चरण की मतगणना तक भाजपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, इन्हें 5,300, कांग्रेस प्रत्याशी को 4,569, बसपा प्रत्याशी को 4,510 मत प्राप्त हुए हैं। गुड़ विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां पर दूसरे चरण की मतगणना में भाजपा प्रत्याशी आ गए हैं, इसे 6,981, कांग्रेस प्रत्याशी को 6,504, बसपा प्रत्याशी को 3,889, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को 4,195 मत प्राप्त हुए हैं। मऊगंज विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो बसपा प्रत्याशी आगे हैं, इसे 6,009 मत प्राप्त हुए हैं। भाजपा प्रत्याशी को 4,343 और कांग्रेस प्रत्याशी को 2,701 मत प्राप्त हुए हैं। त्योंथर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, इन्हें 7,145 वोट मिले हैं। वहीं भाजपा प्रत्याशी को 6,103 और बसपा प्रत्याशी को 902 मत प्राप्त हुए हैं। मनगावा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आगे है, इसे 1,289 वोट प्राप्त हुए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी को 6,746, बसपा प्रत्याशी को 1,241 मत प्राप्त हुए हैं। तो वहीं अगर बात करें देवतालाब विधानसभा क्षेत्र की तो यहां पर भाजपा प्रत्याशी आ गए हैं, इन्हें 5,115 मत प्राप्त हुए हैं। दूसरे क्रमांक पर बसपा प्रत्याशी को 5,015 और कांग्रेस प्रत्याशी को 3,770 मत प्राप्त हुए हैं। आगर मालवा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लगभग 2,000 मतों से आगे चल रहे हैं। मनोहर उटवाल को 22,915 वोट और विपिन वानखेड़े को 30,860 मत प्राप्त हुए हैं। अलीराजपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के मुकेश रावत 3,260 मतों से आगे चल रहे हैं, इन्हें 20,000 मत प्राप्त हुए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नागर सिंह चौहान को 16,838 मत प्राप्त हुए हैं।